मॉडर्न स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इसको माइनर कॉन्सेप्ट ही कहा जाए लेकिन जानकारी के अभाव में वह मेजर कॉन्सेप्ट बन जाता है। आज मैं फ्रैक्शन का कंपेयर करने के लिए बताने जा रहा हूँ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। यह ग्रेटर का सिंबल होता है और यह स्मॉलर का सिंबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हमारे सब्सक्राइब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट सही में समझ में आएगा। आपने सुना होगा लोगों के या प्राय टीचर के भी द्वारा और आप लोग भी आपस में भी गद करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यह हिसाब बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है वज्र गुणनफल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है वज्र गुणनफल। आपने जनरली आम भाषा में मैथमेटिक्स में आप हमेशा सुनते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होगा, तो आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ आखिर होता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या अर्थ होता है, तो वज्र गुणनफल। इसके द्वारा हम दी गई दो परिमेय संख्याओं या भिन्नों या फ्रैक्शन का कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लिया जाए एक फ्रैक्शन यहाँ पर a बटा b है, दूसरा फ्रैक्शन c बटा d है। कोना कोनी जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा, a को करना है d से, c को करना है b से, यानी एक के अंश से दूसरे के हर को, दूसरे के अंश से दूसरे के हर को, पहला का अंश दूसरे का हर, दूसरा का अंश पहला का हर। देखिए, पहला का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले के हर, पहला का नोमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, दूसरे का नोमिनेटर पहले का डिनोमिनेटर से गुना करते हैं और गुना करने के बाद a गुना d और b गुना c। अगर a गुना d का प्रोडक्ट अगर बड़ा होगा, a गुना d का प्रोडक्ट बड़ा होगा b गुना c से, आपका a बटा b ये पहला फ्रैक्शन, पहला भिन्न, पहला परिमेय संख्या बड़ी होगी। इसको लिखते हैं a बाय a अपन b इज द ग्रेटर देन c बाय d। चलिए इसके रिवर्स में चलिए, फिर वही प्रक्रिया, a गुना d पहले का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, गुना किए। यदि a गुना d इज द लेस देन b गुना c, अगर b गुना c का प्रोडक्ट a गुना d से बड़ा है, b गुना c का प्रोडक्ट a गुना d से बड़ा है, तो यहाँ हम लिखते हैं a अपॉन b लेस देन c अपॉन d। a बटा b यह फ्रैक्शन इससे छोटा है। एक एग्जाम्पल के तहत चलिए, ये प्राय इसमें हमारे स्टूडेंट कॉन्फ्यूज भी करते हैं, 7/9 और यहाँ लिखिए 8/5। देखिए तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, हमको ये कंपेयर करना है कौन सा रेशनल बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो क्रॉस कीजिए इसको, जिसको कि हम लोग क्रॉस क्रॉस का जो रट लगाते हैं उसका हिंदी होता है वज्र। 7 × 5 = 35, 9 × 8 = 72। अब देखते हैं कि b गुना c का प्रोडक्ट बड़ा है, b गुना c का प्रोडक्ट बड़ा है और a गुना b का प्रोडक्ट छोटा है। इस परिस्थिति में जब ये बड़ा हो गया तो फ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा, 7/9 इज द लेस देन 8/5। एक और देखिए, 1/2 और 1/9 में कौन बड़ा है,
तो आप क्या कीजिए, पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 × 9 9, 1 × 2 2। हम देखते हैं ए गुना डी का प्रोडक्ट बड़ा है बी गुना सी के प्रोडक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1/2 है वह बड़ा है, 1/2 इज द ग्रेटर देन 1/d। डियर स्टूडेंट्स, आप हर हमेशा ये जरूर ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहें और मैं हर हमेशा आप तक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, संस्कृत वगैरह का विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को दिया करूंगा, ताकि कमिंग एज में जो कम्पिटेटिव माहौल से दौड़ेंगे आप में आपके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। थैंक यू वेरी मच।